हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमके इंजीनियरिंग क्लब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो एसएससी, बैंक एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक एई एंड यूपीएससी, तो उनके लिए मेरा चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेरी या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर। यहाँ आप फ्रीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हो कि मेरे आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो प्लीज़ राइट बॉटम पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम के इंजीनियरिंग क्लब। माई नेम इज़ मुकुल कुशवाहा एंड जैसे कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, राइट। तो आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जल्दी देखा गया है कि जिन लोगों को टेक्निकल फील्ड की नॉलेज नहीं है या जिनको पता नहीं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ब्रिक्स, तो वो जनरली क्या होता है, जैसे कि मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, अगर मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं किसी मिस्त्री से जाके पूछूंगा कितना ईंट लग जाएगा, राइट। सपोज मैं एक कमरा बनवा रहा हूँ तो मैं पूछूंगा कि एक कमरे में कितना ईंट लग जाएगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देते हैं कि इतना ईंट लग जाएगा सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उतना ईंट ले आता हूँ, लेकिन बाद में जब पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है रूम तो उसके बाद पता चलता है कि कुछ ब्रिक्स बच गई हैं, राइट, तो वो वेस्ट ही जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा ईंट लेके आओगे, ज़्यादा ब्रिक्स लेके आओगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो ब्रिक्स, और ताकि जो आपका जो बजट है वो बैलेंस रहे, राइट। तो देखते हैं, हाँ एक चीज़ और, कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो कि आपको जानने पड़ेंगे, और देखते हैं वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, राइट। तो जो पहला पैरामीटर है कि हमारे जो इंडिया में जो स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का वो कितना है, राइट। तो ये चीज़ आपको जानना है कितना स्टैंडर्ड साइज जो जनरली यूज होता है इंडिया में, तो मैंने पूरा लिख रखा है ताकि जो आपका टाइम बच सके, राइट। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक ऑन इंडिया, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो 190 mm × 90 mm × 90 mm। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ले रखा है ब्रिक का, तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो ये एक ब्रिक है, राइट। तो 190 mm क्या है, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 mm इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 90 mm इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जनरली लिख भी रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पैरामीटर आपका थिकनेस ऑफ वॉल, सबसे पहले तो आप जान लो कि किस टाइप की वॉल आप ले रहे हो। तो जनरली हमारे यहाँ पे दो टाइप की वॉल यूज की जाती हैं, फर्स्ट वन ब्रिक वॉल, सेकंड हाफ ब्रिक वॉल, राइट। और उसकी थिकनेस क्या क्या होती है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, फर्स्ट ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इतनी होती है 0.2 meter, और जो हाफ ब्रिक की वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होती है 0.1 meter, राइट। तो तीसरा पैरामीटर है वो कितना है, वो क्या है आपका मोर्टार, तो इसकी भी थिकनेस जान लो। तो थिकनेस ऑफ मोर्टार है वो जनरली हम 10 mm लेते हैं, राइट। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं जो ले रहा हूँ वो फर्स्ट ब्रिक वॉल के ले रहा हूँ, किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ ब्रिक, राइट। तो किसी भी चीज़ का सबसे पहले आप जान लो कि वॉल्यूम जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हो, आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो आपको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। वो क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। उस जिस भी ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसमें तीन चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ, विड्थ और हाइट। सपोज यहाँ पे मैं वॉल का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, राइट। तो सपोज दिस इज अ वॉल एंड देखिए दिस इज अ वॉल, राइट, दिस इज अ लेंथ, लेंथ ऑफ अ वॉल, हाइट ऑफ अ वॉल, बट तीसरा जो पैरामीटर है आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि आप जो है एलिवेशन, मैं आपको एलिवेशन भी दिखा रहा हूँ लेकिन, राइट। तो जो तीसरा पैरामीटर है या तो आप उसको विड्थ बोल लो या फिर आप थिकनेस बोल लो वॉल की, तो वो एक ही चीज़ है, राइट। तो दिस इज अ लेंथ, दिस इज अ हाइट एंड दिस ये पार्ट, ये दिस इज अ थिकनेस, राइट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। तो दिस वॉल्यूम ऑफ वॉल, राइट, तो मैंने लिखा है लेंथ इनटू हाइट इनटू थिकनेस ऑफ वॉल, राइट। लेंथ कितना लिया है? हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पर डाटा रैंडम ले लिया है। लेंथ यहाँ पर 12.5 लिया है, हाइट अब मैंने 4 मीटर लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस डायमेंशन का आप जो है कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे 12.5 मीटर लेंथ का और 4 मीटर हाइट का और थिकनेस 0.2 मीटर, क्योंकि मैं वन ब्रिक वॉल कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं इस डायमेंशन का एक रूम या वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉल लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, राइट। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दिया है। लेंथ कितना लिया है? 12.5 मीटर। हाइट कितना लिया है? 4 मीटर। एंड थिकनेस ऑफ वॉल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि वन ब्रिक वॉल के लिए कितना थिकनेस लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो वन ब्रिक वॉल के लिए कितना मैंने थिकनेस लिया है, 0.2 मीटर, राइट। तो यहाँ पे मैंने 0.2 मीटर रखा। आफ्टर कैलकुलेशन आया आपका 10 मीटर क्यूब, राइट। सिंप्लीफिकेशन के बाद 10 मीटर क्यूब आपका निकल के आया वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब दूसरी चीज, अब मेरे को चाहिए वन ब्रिक विद मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार, राइट। ये क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को पूरी दीवार की जो वॉल्यूम है मेरे को पता है, लेकिन अब मेरे को चाहिए वन ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए, राइट। तभी तो मैं जो है वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, तभी तो मैं जो है नंबर ऑफ ब्रिक निकाल सकता हूँ, राइट। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का डायमेंशन मैं पहले बता चुका हूँ 190 x 90 x 90 mm, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं मोर्टार को भी कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। और मोर्टार की थिकनेस है वो कितना कंसीडर किया है, 10 mm, यहाँ पे लिख भी रखा है थिकनेस ऑफ मोर्टार 10 mm कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने 10 mm कंसीडर किया है ऑन ऑल साइड, राइट। तो जब मोर्टार कंसीडर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक ब्रिक की डायमेंशन है वो भी चेंज हो जाएंगी, और वो कितना चेंज होगी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने चेंज करके ही लिखा है 190 एक नॉर्मल डायमेंशन थी, उसमें 10 प्लस कर दिया क्योंकि मोर्टार को कंसीडर कर रहे हैं। तो 190 प्लस 10, 90 प्लस 10, 90 प्लस 10, राइट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने ऑब्टेन किया 0.002 मीटर क्यूब, राइट। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार निकल गया है। तो नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हो आप, हमें सारी चीजें पता है तो नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार जो हमने यहाँ निकाला है, राइट। तो आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल 10 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार ये निकल के आया, राइट। ये पुट कर दिया तो यहाँ से आया 5000 नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट। ये आया आपका जब आपने कंसीडर किया है फॉर वन ब्रिक वॉल, राइट। सिमिलरली आप हाफ ब्रिक के लिए भी कर सकते हो, बस इसमें करना क्या है, हाफ ब्रिक के लिए ये हमने वन ब्रिक वॉल के लिए किया है, आप सिर्फ हाफ ब्रिक के लिए इसमें डिवाइड बाई 2 कर दो, राइट। जब सही डायमेंशन हो और हाफ ब्रिक वॉल कंसीडर कर लो, राइट। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 2 का डिवाइड करना है और आ जाएगा आपका 2500, राइट, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना सब कुछ पता हो, राइट। एक सिंपल मैन भी आप इसको कैलकुलेट, सिंपल मैन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो फाइनली आप ये सब देख सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई इसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, राइट, कि सर ये दिक्कत है, मैं प्लीज़ दोबारा से इसको बताइए। तो ऑब्वियस मैं दोबारा बिल्कुल बताऊंगा इसे, आप सिर्फ कमेंट में मेरे को कमेंट करके लिख दीजिएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आने वाली जो वीडियो है वो सीधे आप तक पहुंचा सकूं, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड चलो बाय बाय।